नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कृष्णास थायरो बैलेंस जूस की, जिसमें दुर्वा, कांचनार, मंडूकपर्णी, ब्राह्मी सहित और 20 वनस्पतियों का मिश्रण है। ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये जूस थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आगे इस वीडियो में हम इस जूस की सभी जरूरी जानकारी पर बात करेंगे। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड अपने शरीर की एक मास्टर ग्लैंड है। तितली के आकार वाली ये ग्रंथि हमारे गले के सामने वाले हिस्से में लोकेटेड होती है और ये शरीर में कई सारे फंक्शंस के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है। शरीर का सेलुलर लेवल पे होने वाला पचन यानी मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन पे निर्भर होता है। किसी भी शरीर में ये मेटाबॉलिज्म यदि अच्छे से ना हो तो कई सारे शारीरिक और मानसिक तकलीफें देखी जा सकती है। किसी भी शरीर में मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज़्यादा फास्ट या स्लो होना शरीर के लिए और शरीर के अन्य अवयव के लिए अच्छा नहीं होता। आमतौर पर थायराइड हार्मोन के हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड ऐसे दो एबनॉर्मल पैटर्न देखे जाते हैं। हाइपरथायराइड की अवस्था में हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा होता है और हाइपोथायराइड में ये सिक्रीशन कम हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही थायराइड के प्रॉब्लम देखे जाते हैं, लेकिन युवा महिलाएं इससे बहुत ही जल्दी और ज़्यादा प्रभावित दिखी जाती हैं। जो वक्त के रहते इसको बैलेंस ना किया जाए तो आगे चलकर ये कई सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो अब बात करते हैं कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेद के थायरो बैलेंस जूस की। पहले जानते हैं इस जूस का यूनिक बैलेंस फॉर्मुलेशन। तो इस जूस में लज्जालु, मंडूकपर्णी, शतावरी, जटामांसी, ज्योतिषमती, शुद्ध शिलाजीत, गोक्षूर, कड़चूर, सारिवा, रासना, पूर्णवा, अनारदाना, दारुहरिद्रा, शीघ्रपत्र, ब्राह्मी, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक मूल, सोंठ, गिलोय, दुर्वा, गुगुल और कांचना शामिल है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं इनके गुणों के बारे में और देखते हैं इनके शरीर को होने वाले फायदे। दोस्तों, T3 और T4 का उत्पादन थायराइड ग्लैंड में होता है, लेकिन इनके प्रोडक्शन के लिए जो TSH जिम्मेदार होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और शरीर में थायराइड ग्लैंड के संपूर्ण नियंत्रण के लिए जो TRH यानी थायरोट्रोपिन रेजिंग हार्मोन बनता है वो हाइपोथैलेमस में बनता है। तो दोस्तों, शायद आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों थायराइड ग्लैंड और इसके फंक्शंस को बैलेंस करना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होती है। दुर्वा यानी दूब एक उत्कृष्ट पित्तशामक है जो हार्मोन इम्बैलेंस की अवस्था में काफ़ी अच्छा काम करती है। ये खासकर हाइपरथायराइड की अवस्था में काम करती है। लज्जालु थायराइड ग्लैंड के माइक्रो फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए उपयुक्त देखी जाती है। मंडूकपर्णी और ब्राह्मी ये दोनों मेध्य वनस्पतियाँ हैं जो ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा काम करती है। जटामांसी मनोवह स्त्रोतस पर शामक काम करती है और मन की शांति और नींद के लिए काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, महिलाओं में थायराइड डिसफंक्शन की वजह एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस भी होता है। ज्योतिषमती शरीर के सूक्ष्म पाचन के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। शुद्ध शिलाजीत हाइपोथायराइड की अवस्था में अच्छा काम करता है। गोक्षूर भी हाइपोथायराइड में होने वाली वाटर रिटेंशन को कम करता है। इसी तरह कड़चूर, सारिवा, रसना, पूर्णवा और अनारदाना ये सभी द्रव्य रक्त को सशक्त बनाए रखने में मदद करते हैं। शीघ्रपत्र यानी साहिंजन के पत्ते हाइपोथायराइड पे अच्छा काम करते हैं। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, सोंठ सभी अन्नपचन के लिए और सार कित्त विभाजन के लिए काफ़ी यूजफुल देखे जाते हैं। दोस्तों, कांचनार साक्षात थायराइड ग्लैंड पर काम करने वाली एक बहुत ही उत्कृष्ट वनस्पति है। ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को बैलेंस करने का काम करती है, खासकर तब जब ग्लैंड में ग्रोथ होती देखी जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस थायरो बैलेंस जूस को कौन कौन कंज्यूम कर सकता है और इस जूस को कैसे लिया जाता है। जो लोग थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं या जिनके घर में थायराइड की हिस्ट्री है, यानी जिनके माताजी, पिताजी, बहन को भी ये समस्या है, वो लोग इस जूस को ज़रूर ले सकते हैं। हाइपोथायराइड की वजह से जिनका वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ है या जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो चुका है, ये जूस उनके लिए थायराइड लेवल्स को बैलेंस करता है।
जिनको बार बार आलस आता है, कुछ ज़्यादा अच्छा फिजिकल काम जिनसे हो नहीं पाता, ये जूस उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। थायराइड ग्लैंड के स्लो फंक्शन से जिनकी स्किन काली पड़ चुकी है, उनके लिए भी ये जूस काफ़ी अच्छा काम करता दिखाई देता है। बार बार गुस्सा होना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन फील होना, इस अवस्था में भी ये जूस अच्छा काम करता दिखाई देता है। इसके सेवन से धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में सुधार देखा जाता है। थायराइड की वजह से जिन लोगों में शरीर में काफ़ी भारीपन महसूस होता है, उनके लिए भी इस जूस के सेवन से जल्दी से काफ़ी आराम देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं इस जूस को कैसे और कितना लेना है। तो दोस्तों, इसकी बोतल को अच्छे से हिला के आप इसके 30 ml जूस को 30 ml गुनगुने पानी में मिलाएं और सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के आधा घंटे बाद इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल वीडियो कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेद के थायरो बैलेंस जूस का। यदि इस जूस के बारे में आपको और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है, आप वहां से इस जूस के बारे में और भी जरूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर काम आएगी। आपके आज के वीडियो से संबंधित या और हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।